मैं सिचुएशन को थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊंगा. वंस अगेन हियर विजुअलाइजेशन इज नेसेसरी, क्योंकि एक 3D सिचुएशन बनेगी. उस 3D सिचुएशन को बड़े ध्यान से आपको विजुलाइज करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा. दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यह एक ऐसा रीजन है. मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स इनटू द बोर्ड, इट्स मैग्नीट्यूड इज बी. और मैं उसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं. अब इसमें मैं रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल ड्रॉ करता हूं. पहले नॉर्मल टू फील्ड ड्रॉ करता हूं और फिर उसको टिल्ट करूंगा किसी एंगल से. सबसे पहले नॉर्मल, तो मैग्नेटिक फील्ड यह नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड है. हम अच्छी तरह से जानते हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर जो कि नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड रखी है, नेट फोर्स जीरो होगा. इधर फोर्स आई बी इंटू दिस लेंथ, इधर फोर्स आई बी इंटू दिस लेंथ, इसमें करंट आई है, करंट आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इधर फोर्स आई बी इंटू दिस लेंथ, इधर फोर्स आई बी इंटू दिस लेंथ. वहां पर कॉइल में कुछ टेंशन जरूर आ जाएगा हर एक एलिमेंट में, मगर नेट फोर्स जीरो रहेगा. कॉइल कहीं किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी. अब मैं इस कॉइल को टिल्ट कर रहा हूं एंगल थीटा से. वह एंगल थीटा जीरो से बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ते हुए वह 90 डिग्री तक जा सकता है, उससे भी ज्यादा जा सकता है. देखिए इस तरह से मैं टिल्ट कर रहा हूं. यह इस पॉइंट के अबाउट मैंने इस कॉइल को ऐसे टिल्ट कर दिया. सिचुएशन, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इस बार इस तरह से है और इसे किसी एंगल थीटा से हमने इस तरह से घुमा दिया. नाउ this is a rectangular current carrying coil and area vector at angle theta with field vector. मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, जबकि एरिया, जब कॉइल को आपने थीटा एंगल से घुमाया तो एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू कॉइल है वह फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है.
फील्ड वेक्टर बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर इस तरह से थीटा एंगल पर. द कॉइल मे बी हैविंग सम लेंथ एल. इस कॉइल की लेंथ एल है. और इस कॉइल की ब्रेथ भी है. फील्ड करने पर भी अब जरा सोचिए कि क्या सिचुएशन बनेगी. पहले नेट फोर्स जीरो थी. मैं अभी कंक्लूड करूंगा कि नेट फोर्स तो अभी भी जीरो रहेगी, मगर पहले फोर्स इक्वल और अपोजिट और कोलिनियर थी, एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल करती थी. वहां पर टॉर्क भी जीरो था, मगर इस बार फोर्स इक्वल अपोजिट तो है मगर वह कोलिनियर नहीं होगी, और उसके कोलिनियर नहीं होने से वहां पर एक टॉर्क लगने लगेगा. बड़े ध्यान से देखें, हमने रोटेशनल पढ़ रखा है, समझ रखा है, थोड़ा सिचुएशन को विजुलाइज कर सकते हैं. सबसे पहले हम इस एलिमेंट की बात करें. इस एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसी समय हम ठीक नीचे वाले इस एलिमेंट को भी देखेंगे. हम जब इस कॉइल को ऐसे थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो हम क्या पाएंगे कि इस एलिमेंट पर और इस एलिमेंट पर फोर्स बिल्कुल इक्वल अपोजिट और कोलिनियर है. उसकी वजह से कोई नेट फोर्स नहीं, कोई नेट टॉर्क नहीं. देखिए इधर जो फोर्स एफ लगेगा वह इस तरह से लगेगा, बिल्कुल इक्वल अपोजिट. मैं इसे ए बी सी डी और टिल्ट करने के बाद यह हुआ ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश. नाउ ऑब्जर्व एलिमेंट एलिमेंट ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश. मैं इन दोनों एलिमेंट की बात कर रहा हूं. इन दोनों एलिमेंट पर फोर्स इक्वल अपोजिट और कोलिनियर होगा. इस फोर्स को मैं एफ डैश बोलता हूं. फोर्स एफ डैश इज इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर. इधर ऐसा इधर भी ऊपर इधर नीचे, इधर ऊपर इधर नीचे, हर एक एलिमेंट पर फोर्स इक्वल अपोजिट और कोलिनियर. मुझे फोर्स एफ डैश कितना होएगा, चलिए इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दिया जाए. करंट आई है और दिस फोर्स एफ इज आई इंटू एल. इसकी लेंथ कुछ एल है. क्रॉस बी और दिस फोर्स आई एल बी इंटू साइन. बी और लेंथ के बीच में जो एंगल है दैट इज यह लेंथ वेक्टर और फील्ड वेक्टर इस तरह से इनटू द बोर्ड, उनके बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा इनटू एन कैप. नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो. नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ड्यू टू दिस वुड बी जीरो.
net force is 0. And no torque due to such force. इस तरह की force की वजह से कोई torque भी नहीं होना है, कोई force भी नहीं होना, क्योंकि बिल्कुल equal opposite और collinear. खास जो वहां पर situation में नहीं कि that is due to element B dash, E dash and A dash, D dash. Observe element B dash, C dash and D dash, A dash. इन दोनों element को बड़े ध्यान से देखेंगे इस तरह से tilt करने के बाद. इन पर फोर्स को समझते, ये दोनों एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है. फोर्स एफ इक्वल होएगी, अपोजिट होएगी, बट नॉन कोलिनियर. फोर्स एफ इज equal and opposite but इस जगह पर force इस तरह से लगना है. force F और इस जगह पर force F इस तरह से लगना है. और यह दोनों फोर्स नॉन कोलिनियर होंगी, बट नॉन कोलिनियर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कितनी फोर्स होगी? यह फोर्स तो एफ डैश लिखी थी मैंने, इधर फोर्स कितनी लिखूंगा जरा देखें. फोर्स एफ वुड बी, करंट तो आई ही है, करंट तो आई ही है. इसकी लेंथ कितनी है? दिस इज एल क्रॉस बी. जब मैं लिखूंगा तो दिस फोर्स एफ इज आई मॉड एल की जगह मैं लिखूंगा बी. The magnitude of this length is B. और mod B की जगह पर B. और angle क्या है जरा देखें. यह length इस तरह से है, field इस तरह से है, बिल्कुल perpendicular. Into n cap. n cap की direction मैंने दिखा दी. तो यह जो फोर्स मुझे दिख रहा है यह आई बी बी इंटू एन कैप साइन 90 इज 1. यह फोर्स दिखा. नेट फोर्स तो 0 हो गया. क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट पर फोर्स इस तरफ और इस एलिमेंट पर फोर्स इस तरफ, इसलिए नेट फोर्स तो 0 हो गया. नेट फोर्स इज 0. बट सिंस दिस फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर. कैसे हैं नॉन कोलिनियर जरा ध्यान से समझो, क्योंकि यह इस तरह से बोर्ड के अंदर की तरफ जाते हुए इस तरह का है. लेट मी शो यू इन दिस मैनर. यदि कॉइल ऐसी होती बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर तो ठीक है,
फोर्थ न्यूक्लियोफाइट मगर इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से कॉलोनी न्यूक्लियस है, इधर फोर्स इधर है और इधर फोर्स इधर है, तो यह इस तरह से रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगी। हम कहेंगे फाइनाइट टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, सच फोर्स विच आर इक्वल अपोजिट एंड नॉन कोलिनियर टर्म्ड एज कपल, द टू फोर्स ऑन बी डैश ई डैश एंड डी डैश ए डैश दे फॉर्म्स अ कपल एंड दे वुड बी फाइनाइट टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, टू forces on B dash E dash and D dash A dash forms a couple and finite torque due to them and finite torque इस वजह से इनकी वजह से फाइनाइट टॉर्क बनेगा और फाइनाइट टॉर्क क्या होगा लेट्स कैलकुलेट दैट। टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज about this axis, the torque would be about this axis, torque due to couple is simply magnitude of force into perpendicular distance between them. आप इस तरह से भी कह सकते हो कि यह force का line of action है, इन दोनों के बीच में perpendicular distance would be this L and this is sin theta, L sin theta, this theta, this would be theta, and the perpendicular distance would be in them would be L sin theta. We used to say it's magnitude of torque would be magnitude of force into perpendicular distance couple का जो magnitude होता है, या फिर हम torque का expression लगा दें कि इस force की वजह से यह perpendicular distance या radius vector हो गया, और इस रेडियस वेक्टर का या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से इधर, टॉर्क के लिए हम कहें समेशन ऑफ आर क्रॉस एफ, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और यह आर होएगा एल बाय टू, साइन थीटा वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड, और फिर दूसरा इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे, तो फोर्स इंटू एल बाय टू साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट वुड कम आउट टू बी वंस अगेन द सेम थिंग। टॉर्क निकालने के लिए आप कोई सही मेथड निकाल लो, सबसे साधारण मेथड जो होता है दैट इज यदि इक्वल अपोजिट फोर्स है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इसके अबाउट टॉर्क होगा। आई विल से दिस टॉर्क वुड बी I, B, B, perpendicular distances, L, sin theta. Torque is I, B, L into B into sin theta. Length into breadth is L is length, B is the breadth. Its area enclosed by the coil. Torque is I A
b sin theta. यह तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हुआ, यह तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हुआ. अब इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? इस टॉर्क, यह जो फोर्स है, यह इस कॉइल को दोबारा अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी इस तरह से. यह टॉर्क वुड बी, ध्यान से देखें, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी यह टॉर्क अलोंग द एक्सेस जिसके अबाउट कॉइल को आपने रोटेट करा हुआ. यह टॉर्क का डायरेक्शन होगा. हम कहते हैं दिस टॉर्क वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इन टू एन कैप. एन कैप इज अलॉन्ग दिस एक्सेस, दिस एक्सेस के अबाउट कॉइल को रोटेट करा हुआ. एंड इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर दिस टॉर्क में बी रिटन एज आई इन टू ए क्रॉस बी. This would be the torque on that coil. यदि हम coil को theta angle से घुमा दें, यदि हम coil को theta angle से घुमा दें, then the torque would be IA cross B. I into A cross B. इसी को हम एक्सपांड करेंगे तो यह चीज दिखने लगेगी. टॉर्क इज I into A into B into साइन थीटा into n cap. Here theta is angle between area vector and field vector. Area vector और field vector के बीच में यही angle है. एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल के साथ. दिस इज एरिया वेक्टर और यह फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है. आई इंटू ए इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल. हमने किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर रखा है. Tau is equal to magnetic moment cross B. This expression is exactly analogous to torque on dipole kept in electric field. जो डायपोल है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क इट्स गिवन लाइक दिस. दिस पहले तो मैं लिखता हूं, दिस इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल. केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड. और यह जो एक्सप्रेशन है इट्स एनालॉगस टू, इट्स एनालॉगस टू टॉर्क ऑन डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. वो टॉर्क हम कैसे लिखते हैं? टॉर्क इज
P cross E. P is dipole moment. P होता है dipole moment, जिसको हम length into charge लिखते हैं, or the separation between the charge, and E is electric field. And this mu is magnetic moment of current carrying coil. Mu is magnetic moment of current carrying coil. Mu is magnetic moment of current carrying coil. भले ही यहां मैंने एक टर्न के लिए लिखा है, but this expression can be written for n turns in the coil. For n turns in the coil, यदि कॉइल में n टर्न्स होंगे तब भी इन दोनों एलिमेंट में जो फोर्स होगा इक्वल अपोजिट होगा, एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करेगा. इन दोनों एलिमेंट में फोर्स की वजह से कोई नेट फोर्स भी नहीं होगा और नेट टॉर्क भी नहीं होगा, मगर इन दोनों एलिमेंट थीटा एंगल से यदि हमने घुमाया है तो इनकी वजह से फोर्स होगा इक्वल होगा अपोजिट होगा, एंड that force would be non-collinear. और उसके non-collinear होने की वजह से उसमें torque होएगा. और force कितना होएगा? वहाँ इस जगह पर जो force निकाला IBB, तो इधर N into I BB होएगा. Torque would be N I A B sin theta into n cap. ये expression ऐसा कैसे? N I A B sin theta into n cap. या मैं in fact reverse manner में लिखता हूँ, so that memorize अच्छी तरह से रहे. N turns in the coil यदि होगा तब भी torque तो यही लिखा जाएगा, mu cross B. This would be a generalized expression, mu cross B, n turns के लिए भी. मगर mu की जगह पर single turn के लिए हमने IA लिखा था, n turns के लिए हम लिखेंगे NIA cross B. म्यू की जगह पर आई ए लिखा था सिंगल टर्न के लिए, एन टर्न के लिए हम लिखेंगे एन आई ए क्रॉस बी. और इस टॉर्क को लिखेंगे इधर से एन आई इंटू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को फिर फाइनली हम लिख देंगे एन आई A B sin theta into n cap. Coil में यदि n turns है, this would be the torque on this coil. इसकी वजह से वहां कॉइल रोटेट करेगी टॉर्क की वजह से, जहां कहीं पर भी टॉर्क होता है तो टॉर्क की वजह से कॉइल का रोटेशन होएगा.
अब भले ही यह टॉर्क हमने रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए लिखा है, रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए डिराइव करा है, बट लेट मी जनरलाइज इट, द कॉइल मे नॉट बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी ऑफ एनी शेप, वह कॉइल किसी भी शेप की हो सकती है। यदि उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, जो हमने लास्ट केस कैसे करें, इफ दिस कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू फील्ड एज इन लास्ट आर्टिकल, एज इन प्रीवियस आर्टिकल, तो वहां पर थीटा की वैल्यू जीरो है क्योंकि कॉइल एक तरीके से कुछ भी रोटेटेड नहीं है, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो, तो टॉर्क इक्वल टू जीरो और फोर्स भी जीरो। वो इधर से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पिछला आर्टिकल हमने कहा कि यदि कोई से भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इफ द कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर हम कहेंगे कि जो थीटा है, थीटा इज एंगल बाय विच द कॉइल इज बीइंग रोटेटेड, वो थीटा की वैल्यू जीरो कह दी जाएगी, और थीटा की वैल्यू जीरो कह दी गई तो इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा की जगह जीरो रख देंगे, और साइन थीटा की जगह जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, और फोर्स जीरो पहले था ही, वो चीज हम पहले ही स्पेशल केस के रूप में ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब ये जो जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा, इस जनरलाइज केस में भी उस स्पेशल केस की कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करके वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जैसा मैं बता रहा था कि भले ही हमने ये जो डेरिवेशन है एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लेकर करा है, मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉइल रेक्टेंगुलर ही हो, वह कॉइल किसी भी शेप की हो सकती है, द कंसेप्ट वुड रिमेन सेम। करंट कैरिंग लूप एनी शेप साइज एंड ज्योमेट्री, any shape size and geometry, current carrying loop, it may be of any shape, any size, any geometry, if n is number of turns, I is current in each turn, A is area of loop, and area vector and field vector are at an angle alpha. Current carrying loop, it may be any shape, any size, any geometry. यदि उसमें n turns है, उसमें एक एक turn में i current है, area of loop A है, वो area कुछ भी हो, it may be elliptical, it may be square, it may be rectangular, it may be सर्कुलर, और इट में भी एनी रैंडम एरिया, जहां एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, तो सबसे पहली बात, नेट फोर्स वुड बी ऑलवेज जीरो एंड नेट टॉर्क मे बी
finite. नेट टॉर्क नेट फोर्स तो जीरो होएगा उसमें हमेशा, मगर नेट टॉर्क फाइनाइट हो सकता है. एंड दैट फाइनाइट टॉर्क वुड बी ऑलवेज गिवन बाय न्यू क्रॉस बी, अ जनरलाइज्ड अ मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन. दिस इज मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन दैट लूप. उस लूप पर लगने वाले टॉर्क का सबसे जनरलाइज एक्सप्रेशन कहा जाए, हमेशा ध्यान रखें. और फिर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू की जगह पर एन आई ए, हम अच्छी तरह से जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए होता है क्रॉस बी, जैसा कि सर मैं लिख रहा हूं. और फिर हम इसको लिख दें एन आई इंटू ए क्रॉस बी स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आई इंटू ए क्रॉस बी. और फिर हम इसको लिख दें एन आई इंटू ए बी साइन अल्फा इंटू एन कैप, क्योंकि इधर मैंने अल्फा एंगल बोल दिया इधर ए और बी के बीच. Here A is the area enclosed by the loop. ध्यान रहे सर्कुलर लूप है तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, एलिप्टिकल है तो पाई आर वन आर टू, स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और कोई भी रैंडम शेप है तो उसका एरिया जो भी दिया हुआ. एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ